तो गाइज आज करते हैं कैमरा टेस्ट V40 Pro वर्सेस Vivo X100। गाइज आज करते हैं कैमरा टेस्ट Vivo X100 वर्सेस Vivo V40 Pro। अब देखो यहाँ पर प्राइस थोड़ा डिफरेंट है, साइज वाला फिल्टर यहाँ भी मिलता है एंड यहाँ भी मिलता है साइज वाला फिल्टर X100 के अंदर में विद साइज TDR कोटिंग के साथ में एंड यहाँ पर मिलता है एक अलग से डेडिकेटेड V2 चिप। लेकिन देखते हैं कैमरा क्वालिटी डे लाइट में डू लाइट में किसका बेटर निकल के आता है। अगर आप कंफ्यूज हो कि मैं 50,000 में V40 Pro बाय करूं या फिर थोड़े पैसे और इन्वेस्ट करके X100 बाय करूं, क्योंकि बहुत से जो स्पेक है ना वो आपको X100 में थोड़े से डिफरेंट निकल के आते हैं, लेकिन देखते हैं कैमरा क्वालिटी कितना बेटर निकल के आता है। अब जो मेन वाला सेंसर है वो यहाँ पर दो ही फोन में सेम निकल के आता है 50 मेगापिक्सल का एंड अल्ट्रा वाइड भी यहाँ पर सेम निकल के आता है 50 मेगापिक्सल का एंड V40 के अंदर आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल का 2x टेलीफोटो कैमरा एंड X100 के अंदर आपको मिलता है 64 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो 3x ऑप्टिकल जूम पे 100x डिजिटल जूम पे एंड देखते हैं कि क्वालिटी कितनी बेटर निकल के आती है। सेल्फी मिलती है आपको V40 Pro के अंदर में 50 मेगापिक्सल का, X100 के अंदर में 32 मेगापिक्सल का। लेकिन देखते हैं जो एक्स्ट्रा V2 चिप है आपको X100 के अंदर वो कितना बेटर निकल के दे पाता है आउटपुट और यहाँ पर देखते हैं क्वालिटी में कितना डिफरेंस है। सो मैं करता हूँ वीडियो को स्टार्ट एंड आप लोगों को फटाफट से लाइक एंड कर दो सब्सक्राइब। तो गाइस अब यहाँ से आपको मैं दिखाता हूँ दोनों की कैमरा सेटिंग। तो यहाँ पर देखो ये 1x 0.6x अल्ट्रा वाइड दोनों फोन के अंदर में 1x 2x 3x 10x एंड यहाँ मिलेगा 1x 2x और 4x बाय डिफॉल्ट में जूम करने के लिए। और बात करेंगे पोर्ट्रेट शॉट की तो यहाँ पर देखो जाओगे तो दोनों ही फ़ोन के अंदर में आपको मिल जाएगा 1.5 2.2 50mm 85mm 4.3 दोनों फ़ोन के अंदर में आपको देखने को मिल जाएगा जूम कैपेसिटी पोर्ट्रेट के लिए। ज़ाइस वाला फ़िल्टर भी यहाँ पर सब आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर जाओगे तो आपको ज़ाइस वाले फ़िल्टर में सभी फ़िल्टर अवेलेबल है दोनों ही फ़ोन के अंदर में तो मिलेंगे आपको 85mm 100mm क्लोजअप वगैरह यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। दोनों ही फ़ोन के अंदर में सारे के सारे फ़िल्टर मिल जाएंगे ज़ाइस वाले। सुपर मैक्रो का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है ज़ाइस वाले, यहाँ पर सभी ऑप्शन देखने को मिलते हैं नेचुरल विविड टेक्सचर्ड यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा। ओके और सुपर मैक्रो का ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा देखो दोनों ही फ़ोन के अंदर में। अब देखो ये है प्राइमरी कैमरा का सैंपल शॉट, यहाँ पर ज़ाइस कलर ऑन था नेचुरल कलर बट स्टिल यहाँ पर देखो कॉन्ट्रास्ट थोड़ा हाई है V40 के अंदर में, कलर थोड़े बूस्ट भी कर रहा है V40 Pro यहाँ पर ये वाला ग्रीन टोन एंड यहाँ पर देखो जूम करने के बाद जो डिटेल्स है ना यहाँ पे वो स्लाइटली यहाँ पर थोड़ा सा टेक्सचर बेटर मेंटेन X100 के अंदर में, चाहे वो यहाँ पर टेक्स्ट हो चाहे वो ये वाला एरिया वो स्लाइटली बेटर मेंटेन कर रहा है तो ज़ाइस का एक्चुअल फील X100 में आपको देखने को मिलता है। एंड अगेन यहाँ पर भी देखोगे नेचुरल कलर मोड अनेबल था बट स्टिल यहाँ पर कलर ज़्यादा बूस्ट किया V40 Pro, कॉन्ट्रास्ट लेवल थोड़ा हाई है एंड यहाँ पर देखो जो ग्राउंड है आपको ज़्यादा येलो देखने को लग रहे होंगे V40 Pro के अंदर में। अब ये वाले सैंपल शॉट में जो बिल्डिंग का एक्चुअल कलर है वो आपको X100 ने मेंटेन किया, कलर एक्यूरेसी यहाँ पर X100 का थोड़ा बेटर निकल के आता है, कॉन्ट्रास्ट लेवल थोड़ा हाई है X100 के अंदर में, लेकिन यहाँ पर देखो शार्पनिंग एंड डिटेलिंग आपको थोड़ा सा बेटर मेंटेन कर लेता है X100। लेकिन देखो ये वाला जो टेक्स्ट है कलर एक्यूरेसी आपको दोनों फ़ोन का बेटर मेंटेन है, कलर का थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं, यहाँ पर ऑलमोस्ट सिमिलर निकल के आते हैं। अब यहाँ पर देखो अगेन अल्ट्रा वाइड सैंपल के अंदर में कलर एक्यूरेसी जो है अगेन यहाँ पर X100 का थोड़ा सा बेटर देखने को लगा, कलर थोड़े से एप्रीजन कैप्चर करता है ज़ाइस नेचुरल मोड अनेबल करने के बाद भी V40 Pro। अब देखो यहाँ पर जूम करने के बाद जो डिटेलिंग है जो शार्पनिंग है अल्ट्रा वाइड के अंदर में थोड़ा सा बेटर मेंटेन्ड है V40 Pro के अंदर में, लेकिन कलर ज़्यादा बूस्ट करता है लेकिन कलर थोड़े से नेचुरल निकल के आते X100 के अंदर में क्लोज टू नेचुरल निकल के आते, क्योंकि जो एक्चुअल ज़ाइस कलर जो ज़ाइस कोटिंग का जो आपको मिलता है फील वो आपको X100 के अंदर में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कलर एक्यूरेसी थोड़ा सा बेटर है X100 का, लेकिन जो अल्ट्रा वाइड सेंसर है यहाँ पर मुझे थोड़ा बेटर देखने को लगा, कॉन्ट्रास्ट लेवल थोड़ा हाई रहता है V40 Pro के अंदर में। अब ये वाले अल्ट्रा वाइड सैंपल में आप देखोगे जो ग्राउंड का जो एक्चुअल कलर है आपको X100 मेंटेन किया, कलर थोड़े से कॉन्ट्रास्टी निकल के आते V40 Pro के अंदर में, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आपको सिर्फ कलर का डिफरेंस देखने को मिलता है बाकी सब कुछ सेम देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखो जो बिल्डिंग पे जो एक्चुअल टेक्स्चर है जो डायनेमिक रेंज है यहाँ पर X100 का थोड़ा सा बेटर मेंटेन कर लेता है अल्ट्रा वाइड के अंदर में, जो ग्राउंड है देखो आप उसके ऊपर टेक्स्चर थोड़ी सी बेटर मेंटेन कर लेता है बाकी ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं लगा। अब यह है प्राइमरी कैमरा का मैक्रो शॉट तो जो कलर एक्यूरेसी आपको यहाँ पर दोनों ही फोन का तो नेचुरल नहीं है, लेकिन यहां पर V40 Pro का जो एक्चुअल कलर का टोन है ना वो आपको V40 Pro ने कैप्चर किया, X100 में कलर थोड़े से म्यूट निकल गया है।
अब ये है सुपर मैक्रो मोड अनेबल करने के बाद दोनों ही फोन में, तो यहाँ पर टेलीफोटो कैमरा 2x पे क्लिक किया X100 ने, लेकिन यहाँ पर देखो एक्चुअल जो कलर है फ्लावर का दोनों ही फोन ने कैप्चर नहीं किया। डेप्थ ऑफ फील्ड थोड़ा सा बेटर X100 के अंदर में, लेकिन जो डिटेलिंग से मेन सब्जेक्ट पे वो आपको थोड़ा सा V40 Pro का बेटर मुझे देखने को लगा, तो यहाँ पर थोड़ा मुझे बेटर लगा इस बार। अब देखो ये है 5x जूम, तो 5x पे क्वालिटी ऑलमोस्ट सिमिलर निकल के आती है, कलर टोनिंग में ज़्यादा बूस्ट नहीं करता, टेलीफोटो कैमरा से 5x यहाँ पर दोनों ही फोन का सिमिलर है। लेकिन वापस अगेन 10x पे यहाँ पर देखो डिटेल्स मिस करना चालू करता है V40 Pro। 10x पे स्लाइटली डिटेलिंग शार्पनिंग टेक्सचर V40 Pro का यहाँ पर बेकार निकल के आता है, X100 थोड़ा बेटर कैप्चर कर लेता है। एंड 20x पे अगेन यहाँ पर X100 बेटर निकल के आता है, ये जो आपको ये वाले एरिया में जो कलर कॉन्ट्रास्ट जो टेक्स्ट है बेटर मेंटेन कर लिया है, ओवर एक्सपोज निकल के आ रहा है ये वाले एरिया भी, तो स्लाइटली 20x में यहाँ पर थोड़ा बेटर है। 50x पे अगेन X100 बेटर निकल के आता है, तो जूम क्वालिटी इस बार पूरा बेकार है V40 Pro के अंदर में। 5x यूजेबल है, 10x 20x तो इससे बेटर V30 Pro का था लास्ट टाइम भाई, थोड़ी इंप्रूवमेंट की जरूरत है यहाँ पर। अब ये है प्राइमरी कैमरा का सैंपल शॉट, यहाँ पर देखो जो डायनेमिक रेंज है आपको दोनों ही फोन ने बेटर कैप्चर किया, कलर कॉन्ट्रास्ट थोड़े साइपलीज निकल के आते हैं V40 Pro के अंदर में। जूम करने के बाद फेस पे जो डिटेल्स आपको दोनों ही फोन में इनफ निकल के आती है, स्किन टोन थोड़ा सा क्लोज टू नेचुरल X100 का, एंड कलर कॉन्ट्रास्ट आईप्लीज निकल के आते हैं स्किन टोन खासकर V40 Pro के अंदर में। अब यहाँ पर देखो सेम ये वाले सैंपल शॉट में अगेन जो स्किन टोन वगैरह है आपको X100 का थोड़े से मुझे क्लोज टू नेचुरल लगे, थोड़ा सा अच्छे कैप्चर कर लेता है। V40 Pro थोड़ा सा स्किन टोन को थोड़ा ब्यूटीफाइड करता है, सेम एज अल्ट्रा वाइड के अंदर में। यहाँ पर देखो जो कलर कॉन्ट्रास्ट है यहाँ पर थोड़ा सा V40 Pro का बेटर देखने को लगा, जो फेस है थोड़े से वेल एक्सपोज निकल के आते, एंड X100 थोड़ा सा अंडरपोज निकल के आया चाहे वो मेन सब्जेक्ट हो। यहाँ पर देखो जो फेस पे शार्पनिंग है डिटेलिंग है थोड़ा सा बेटर कैप्चर कर लेता है V40 Pro। स्किन टोन यहाँ पर देखो दोनों फोन का नेचुरल नहीं है, लेकिन V40 Pro का थोड़ा बेटर देखने को लगा इस बार। और यहाँ पर देखो ये वाला एरिया स्लाइटली बेटर एक्सपोज निकल के आ रहे, कलर कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा बेटर कैप्चर कर लेता है V40 Pro अल्ट्रा वाइड के अंदर में, टेक्स्चर वगैरह थोड़े से बेटर मेंटेन कर लेता है, लेकिन डिफरेंस ज्यादा नहीं, छोटा सा डिफरेंस है। अब ये वाले अल्ट्रा वाइड में अगेन जो ग्राउंड है थोड़े से ज्यादा रेड निकल के आ रहे X100 के अंदर में, एंड कलर कॉन्ट्रास्ट यहां पर थोड़ा सा बेटर कैप्चर कर लिया वीवो V40 Pro। बैकलाइट HDR आपको दोनों ही फोन का बेटर निकल के आते, जूम करने के बाद देखो जो फेस है यहां पर स्लाइटली V40 का थोड़ा बेटर देखने को लगा। X100 के अंदर में देखो यहां पर फेस ज्यादा रेड देखने को, चाहे वो लिप्स हो चाहे वो आइज निकल के आते, टेक्स्चर थोड़ा सा बेटर मेंटेन टी शर्ट के ऊपर में यहां पर। तो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं 1080p 60fps पे। बंदा काला क्यों दिख रहा है X100 में आशीष भाई? काला ही है तो V40 Pro में अच्छा दिख रहा है, आप ठीक दिख रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, एक पोजा नहीं बनाना है, नॉर्मल रखिए। हाँ बस गलत हो जाएगा, नहीं तो ठीक है। कौन घोड़ा दिख रहा है? अब दोनों ही वीडियो में ऐसा कुछ जिटरिंग और लैग तो नहीं मिला मुझे देखने को। एंड यहाँ पर देखो जो जूम एक बार करके देखते हैं यहाँ पर, तो ये हो चुका है 2x, एंड यहाँ पर इसको ले जाए 2x पे, तो 2x पे क्वालिटी लगभग ऑलमोस्ट सिमिलर निकल के आती है। एंड ये जाएगा आपको अप टू 10x तक, एंड यहाँ पर भी जाएगा ये अप टू 10x तक। तो 10x में जो है स्लाइटली क्वालिटी X100 बेटर मेंटेन कर ले रहा है, टेक्चर वगैरह शार्पनिंग डिटेलिंग, तो यहाँ पर वीडियो के अंदर में जूम क्वालिटी X100 का थोड़ा सा मुझे बेटर देखने को लगा है, थोड़ा X100 का बेटर है। तो वापस से 1x ओके, एंड X100 के अंदर आप स्विच कर सकते हो अल्ट्रा वाइड के अंदर भी, लेकिन यहाँ पर स्विच करने का ऑप्शन नहीं है। ओके, तो वापस से ये 1x, और देखो बिल्डिंग के ऊपर हाईलाइट्स वगैरह हैं अच्छे से। एक बार यहाँ से क्लाउड्स वगैरह जो कलर कॉन्ट्रास्ट है आपको X100 में थोड़े से क्लोज टू नेचुरल देखने को लग रहे हैं, एंड लेंस शिफ्टिंग में थोड़ा जिटर है, लेकिन ओके X100 थोड़ा स्मूथ है। और एक बार यहाँ से ओके, अब यहाँ से मैं चेक करता हूँ एक बार स्टेबिलाइजेशन दौड़ के किसका बेटर निकल के आता है। मैंने सेट कर दिया 1080p 60fps पे, और यहाँ से मैं एक बार चेक करता हूँ ऑटो फोकस किसका ज़्यादा फास्ट है। कलर एक्यूरेसी यहाँ पर दोनों फोन का नेचुरल तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा देखो X100 में क्लोज टू नेचुरल देखने को लग रहा है, जो आपको लिप्स के कलर है। ऑटो फोकस दोनों फोन का काफ़ी फास्ट है, फोकस जो है V40 Pro में काफ़ी इम्प्रूव हुआ पहले से, ऐसा कुछ फोकस हंटिंग इशूज मुझे देखने को नहीं मिला है।
अब ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ बोके वीडियो दोनों फोन से 1080p 30fps पे। तो यहाँ पर देखो जो फेस से थोड़ी सी विलेज पॉइंट निकल के आते हैं V40 Pro के अंदर में, और दोनों फोन के अंदर में जो फेस पे डिटेलिंग है वो आपको अच्छे मेंटेन कर लेता है, ऐसा कुछ जिटरिंग और लैग देखने को नहीं मिलता है। लेकिन कॉन्ट्रास्ट थोड़ा ज़्यादा हाई है V40 Pro के अंदर में, एंड जो टी शर्ट के एक्चुअल कलर है आपको V40 Pro ने मेंटेन किया। एंड देखो ऐसा कुछ फ्रेम स्किप होने का तो इशूज नहीं है दोनों ही फ़ोन के अंदर में, और लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा मुझे दोनों ही फ़ोन के अंदर में। ए डायरेक्शन भी ऊपर की साइड में दोनों ही फ़ोन का अच्छा मेंटेन कर लेता है, कलर थोड़ा ज़्यादा बूस्ट करता है V40 Pro बैकग्राउंड में नेचर वाले कलर को। लेकिन यहाँ पर देखो सिनेमैटिक मोड दोनों ही फ़ोन का लगभग सिमिलर है, X100 के अंदर में 2-3 और एक्स्ट्रा मोड मिलते हैं आपको सिनेमैटिक वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। अब यह है प्राइमरी कैमरा का पोर्ट्रेट शॉट 1x मोड पे। यहाँ पर देखो जो स्क्रीन टोन है दोनों ही फोन का एप्लीकेशन निकल के आई, बैकग्राउंड में कलर थोड़ा बूस्ट किया X100, एंड एक्सपोजर भी थोड़ा सा बूस्ट करता है। अब देखो जूम करने के बाद जो फेस पे डिटेलिंग शार्पनिंग है दोनों ही फोन का बेटर मेंटेन्ड है, स्क्रीन टोन X100 के थोड़े से क्लोज टू नेचुरल है, लिप्स एंड कॉन्ट्रास्ट थोड़ा ज़्यादा बूस्ट करता है, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा हाई रखता है V40 Pro, डेप्थ ऑफ फील्ड दोनों फोन में अच्छे कैप्चर करता है। ये है टेलीफोटो कैमरा का 2.2x 50mm के ऊपर में। अब यहाँ पर देखो दोनों फोन की पिक्चर अच्छी निकल के आई, ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर नोटिस नहीं होगा आपको, सिर्फ थोड़ा सा स्क्रीन टोन का फर्क है आपको, X100 थोड़ा सा क्लोज टू नेचुरल लगता है स्क्रीन टोन यहाँ पर, लेकिन V40 Pro में थोड़े से एप्लीकेशन निकल के आते थोड़े से कलर को बूस्ट करता है। ए डायरेक्शन आपको दोनों फोन का बेटर मेंटेन है, एंड डिटेल्स भी दोनों फोन बेटर कैप्चर कर लेता है। अब ये वाले एरिया में देखो एक्चुअल जो हैंड का कलर है आपको X100 ने मेंटेन किया, एंड एज रिडक्शन दोनों फोन का काफ़ी अच्छा है, बैकग्राउंड ब्लर भी काफ़ी नेचुरल निकल के आते हैं, जाइस फिल्टर यहाँ से मैंने ऑफ रखा था। अब ये है 85mm पे, तो लगभग दोनों फोन सिमिलर निकल के आते हैं, डेप्थ फील्ड में ऑलमोस्ट यहाँ पर सिमिलर निकल के आए दोनों फोन, सिर्फ थोड़ा सा स्क्रीन टोन का फर्क दिखता है एंड डिटेलिंग्स का। जूम करने के बाद जो फेस पे डिटेल्स है X100 में थोड़ी सी बेटर मेंटेन्ड है, स्क्रीन टोन भी थोड़ी सी बेटर कैप्चर कर लेता है क्लोज टू नेचुरल, तो 85mm यहाँ पर X100 का स्लाइटली बेटर निकल के आता है। एंड ये है 100mm, तो 100mm पे आपको अगेन X100 बेटर कैप्चर कर लेता है डिटेल्स एंड डेप्थ ऑफ फील्ड, स्क्रीन टोन वगैरह कलर कॉन्ट्रास्ट अच्छे मेंटेन कर लेता है। एंड यहाँ पर देखो जो डेप्थ ऑफ फील्ड है बैकग्राउंड में वीवो का भी थोड़ा बेटर कैप्चर किया है V40 Pro। जूम करने के बाद यहाँ पर देखो जो स्क्रीन टोन है अगेन जो फेस पे डिटेल से X100 बेटर कैप्चर कर लिया है, तो 100mm जो है यहाँ पर V40 Pro का बिल्कुल ही मुझे अच्छा नहीं लगा। एंड ये है अगेन 2.2x दोनों फोन का टेलीफोटो कैमरा का, तो अगेन जो कलर कॉन्ट्रास्ट है दोनों फोन की आई प्लीजन निकल के आती है, X100 थोड़ा सा क्लोज टू नेचुरल लगता है। जूम करने के बाद देखो जो डिटेल्स से स्लाइटली दोनों फोन में इनफ निकल के आते हैं, कलर कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा आई प्लीजन कैप्चर करता है V40 Pro, लेकिन देखो जो टी शर्ट के कलर एक्चुअल है आपको दोनों फोन ने स्लाइटली बेटर मेंटेन किया है, एंड शार्पनिंग थोड़ा सा बेटर मेंटेन है आपको X100 के अंदर में, एज डायरेक्शन थोड़ा सा बेटर कैप्चर कर लेता है V40 Pro, थोड़ा सा यहाँ पर एक्सपोजर को बूस्ट किया ये वाला एरिया, स्लाइटली जो है टेलीफोटो कैमरा 2x तक दोनों फोन का अच्छा है। एंड ये है 85mm, तो यहाँ पर देखो अगेन X100 बेटर कैप्चर किया है डिटेलिंग वगैरह को, डेप्थ ऑफ फील्ड आपको देखो अपर्चर वैल्यू दोनों ही फोन में सेम निकल के आते 85mm के ऊपर में, तो यहाँ पर जो है 3.3x जो है टेलीफोटो कैमरा वो आपको ऑप्टिकल फील देता है X100 के अंदर में, फेस पे स्लाइटली डिटेल बेटर कैप्चर कर लेता है। तो जो आपको क्योंकि टेलीफोटो कैमरा 2x मिलता है ऑप्टिकल V40 Pro में, 3x मिलता है आपको X100 में, तो स्लाइटली यहाँ पर बेटर कैप्चर करता है। देखो जो टेक्स्ट पे जो डिटेल्स स्लाइटली बेटर कैप्चर किया X100, बट 85mm जो है थोड़ा यूजफुल है V40 Pro का, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है एज कम्पेयर टू यहाँ पर X100। तो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1080p 60fps पे, दोनों फोन के फ्रंट कैमरा के अंदर आपको मिलेगा 4K 60fps का सपोर्ट। तो V40 के अंदर में आपको मिल जाएगा प्रो के अंदर में 2x, देखो डिटेल्स बेटर कैप्चर कर रहा है 2x पे, 0.8 ये 1x, कलर कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा आईपीजन कैप्चर करता है V40 Pro। यहाँ पर देखो क्लोज लाने पर जो है फोकस अच्छे से ले रहा है, क्लोज सब्जेक्ट वाले अच्छे से फोकस करता है, और सनलाइट जो है लगभग अभी यहाँ पर क्लाउडी वेदर है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, स्टेबिलाइजेशन का आपको आइडिया लग रहा होगा एक बार कलर कॉन्ट्रास्ट वगैरह कैसे निकल के आ रही है। लेकिन जो टी शर्ट की एक्चुअल कलर है आपको X100 ने मेंटेन किया है, और स्क्रीन टोन यहाँ पर देखो दोनों ही का थोड़ा सा X100 का क्लोज टू नेचुरल निकल के आ रहा है, और यहाँ से एक बार मैं चेक करता हूँ स्टेबिलाइजेशन, एक बार अगेन द सनलाइट में नोटिस करोगे आप ये। अब देखो सामने से आ रही थी एक लाइट, नॉर्मल लाइट आ रही थी, ज़्यादा हार्ड नहीं थी, बट स्क्रीन टोन देखो एप्लीकेशन कैप्चर किया V40 Pro, क्लोज टू नेचुरल स्क्रीन टोन थोड़ा कैप्चर करता है X100, एंड बट पिक्चर दोनों फोन के अच्छे निकल के आई। जूम करने के बाद जो डिटेलिंग है दोनों फोन में इनफ निकल के आते, स्क्रीन टोन थोड़े से एप्लीकेशन कैप्चर करता है V40 Pro, एंड X100 थोड़ा सा लगता है क्लोज टू नेचुरल, बट ज़्यादा डिफरेंस नहीं है।
अब अगेन यहाँ पे नोटिस करोगे अगेन द सनलाइट में जो बैकग्राउंड में जो हाइलाइट्स वगैरह है दोनों फोन का अच्छे से मेंटेन कर लेता है, कलर कॉन्ट्रास्ट का थोड़ा सा डिफरेंस है। अगेन यहाँ पर देखोगे अगेन X100 थोड़ा सा क्लोज टू नेचुरल लगता है। अब देखो पोर्ट्रेट शॉट में अगेन यहाँ पर देखोगे दोनों फोन की पिक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर निकल के, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। थोड़ा सा जो है कलर कॉन्ट्रास्ट बूस्ट करता है V40 Pro, आई प्रिज़म कैप्चर करता है। जूम करने के बाद देखो जो डिटेलिंग है पोर्ट्रेट मोड में दोनों का इनफ है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर वीवो बेटर कैप्चर करता है डिटेलिंग वगैरह को, क्योंकि मेगापिक्सल थोड़ा सा हाई रखता है आपको, 50 मेगापिक्सल का मिलता है सेंसर। इमेज डिटेक्शन जो ऊपर की साइड में दोनों फोन का सिमिलर निकाल के आती है, लेकिन देखो हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज आई है V40 Pro में, कलर ज़्यादा आपको ब्लैक देखने को लग रहे हैं हेयर के, थोड़ा सा बेटर यहाँ पर कैप्चर किया X100। दोनों फोन में आपको मिलते हैं फ्रंट में जाइस वाला फिल्टर, यहाँ पर मैंने अप्लाई किया सोनर फिल्टर। यहाँ पर देखो अपर्चर वैल्यू जो है 2.8 है, बट स्टिल डेप्थ ऑफ फील्ड ज़्यादा है V40 Pro के अंदर में। अपर्चर वैल्यू 2.0 है X100 के अंदर में, बट डेप्थ ऑफ फील्ड थोड़ा कम है। तो यहाँ पर जो जाइस का फिल्टर है फ्रंट में थोड़ा सा V40 Pro का बेटर देखने को लगा। जूम करने के बाद देखो जो फेस पे डिटेल्स थे वो स्लाइटली थोड़ा सा यहाँ पर मुझे बेटर देखने को लग रहा है फिल्टर के साथ में V40 Pro का। एंड देखो लिप्स ज़्यादा रेड यहाँ पर आए निकल के X100 के अंदर में। ऊपर की साइड में यहाँ पर देखो जो एज रिडक्शन है यहाँ पर दोनों फोन का लगभग सिमिलर निकल के आते हैं, ज़्यादा डिफरेंस निकल के नहीं आता है। लेकिन जो फ्रंट में जो जाइस वाला फिल्टर है यहाँ पर थोड़ा सा मुझे V40 Pro का बेटर देखने को लगा है। टेक्सचर यहाँ पर देखो जो थोड़ा सा बेटर कैप्चर किया V40 Pro, एंड जो टी शर्ट के एक्चुअल कलर वगैरह भी यहाँ पर अच्छा। V40 Pro में जो जाइस वाला फिल्टर इस बार DSLR टाइप फील आती है सेल्फी के अंदर भी, V40 Pro के अंदर में थोड़ा मुझे बेटर देखने को लगा सेल्फी लास्ट वाले ईयर से। अब नाइट मोड अनेबल करने के बाद यहाँ पर देखोगे जो ये वाला एरिया का जो ग्रास का एक्चुअल कॉन्ट्रास्ट है आपको V40 Pro ने बेटर मेंटेन किया, थोड़े से ओवर एक्सपोज निकल के आ रहे हैं X100 में जो पिक्चर है, फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड दोनों भी यहाँ पर नोटिस करोगे। एक्चुअल जो रेड कलर है ये वाला आपको X100 के अंदर में, चाहे वो ये वाला टेक्टा कलर हो। अब जूम करने के बाद देखो जो फेस से ज़्यादा स्मूथ निकल के आ रहा है X100 के अंदर में, एंड जो टी शर्ट है वो भी आपको थोड़े से ओवर एक्सपोज निकल के आ रहे हैं, एंड टेक्स्चर थोड़ा सा बेटर मेंटेन कर लेता है V40 Pro। अब अगेन यहाँ पर देखो नाइट मोड अनेबल करने के बाद यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सब कुछ ऑलमोस्ट लगभग सिमिलर देखने को लग रहे होंगे। कलर कॉन्ट्रास्ट वगैरह आपको लगभग ऑलमोस्ट सिमिलर है, डिटेलिंग शार्पनिंग वगैरह, लेकिन थोड़ा सा मुझे दिखा है डिफरेंस जूम करने के बाद। देखो यहाँ पर ये वाला जो टेक्स्ट है आपको जो रेड कलर है थोड़ा सा ओवर स्पॉन्ज निकल के आ रहे हैं X100 के अंदर में, एंड इजीली टेक्स्ट रीडेबल है V40 Pro के अंदर में, बस थोड़ा सा ये डिफरेंस मुझे दिखा। अब लो लाइट में आर्टिफिशियल लाइट में यहाँ पर देखो जो ग्राउंड है जो रोड है स्लाइटली बेटर स्पॉन्ज निकल के आ रहे हैं दोनों फोन के अंदर में, एंड जो हाइलाइट्स वगैरह है लाइट कंट्रोल दोनों फोन का अच्छा निकल के आता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं हुआ। लेकिन जूम करने के बाद दिखा मुझे थोड़ा सा डिफरेंस, यहाँ पर देखो जो टेक्स्ट पे डिटेलिंग है बेटर मेंटेन कर लेता है X100, एंड यहाँ पर देखो ये वाला जो बिल्डिंग पे टेक्स्चर वगैरह है शार्पनिंग है थोड़ा सा बेटर मेंटेन किया X100। V2 चिप मिलता है आपको एक्स्ट्रा अलग से इसके अंदर में। कलर कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर ग्रीन टोन एक्चुअल कैप्चर किया X100 ने, कलर थोड़े बूस्ट किया है आई प्रिज़म कैप्चर किया है V40 Pro, लेकिन ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, माइनस एक डिफरेंस है। अब यहाँ पर देखो अगेन लो लाइट में अब जो ग्राउंड है दोनों फोन का तो बेटर स्पॉन्ज निकल के आ रहे बहुत सारे एरिया भी, लेकिन देखो जो एक्चुअल कलर टोनिंग आपको यहाँ पर लगभग दोनों का सिमिलर है, ज़्यादा डिफरेंस मुझे नोटिस नहीं हुआ। जूम करने के बाद देखो अगेन जो टेक्स्ट पे जो नॉइज़ है ज़्यादा देखने को लग रहा है आपको X100 के अंदर में। टेक्स्ट का जो लाइट कंट्रोल है थोड़ा सा V40 Pro का मुझे बेटर देखने को लगा, आर्टिफिशियल लाइट का एक्सपोजर हैंडलिंग V40 Pro थोड़ा बेटर मेंटेन कर लेता है। अब यहाँ पर देखो अगेन पिक्चर यहाँ पर दोनों फोन के सिमिलर निकल के आई है, लेकिन फेस पे जो एक्चुअल नॉइस रिडक्शन है V40 Pro का थोड़ा मुझे बेटर देखने को लगा है, थोड़े से फेस आपको नॉइज़ कैप्चर किया X100। जूम करने के बाद देखो ये वाले एरिया में नॉइज़ रिडक्शन थोड़ा सा बेटर कैप्चर कर लेता है V40 Pro। शार्पनिंग डिटेलिंग थोड़ा सा बेटर मेंटेन किया V40 Pro, कलर एक्यूरेसी थोड़ा सा एब्लेशन निकल के आते हैं। अब देखो यहाँ पर सामने से एक लाइट आ रही थी तो अगेन जो है दोनों फोन की पिक्चर बेटर निकल के आई है, स्किन टोन को थोड़ा सा यहाँ पर दोनों फोन ने थोड़ा सा बूस्ट किया है, लेकिन स्किन टोन क्लोज टू नेचुरल रखा है यहाँ पर X100। जूम करने के बाद देखो जो फेस पे डिटेलिंग है दोनों फोन की इनफ निकल के आती है, यहाँ पर देखो कलर टोनिंग आपको दोनों फोन का तो नेचुरल नहीं है, लेकिन नाइट मोड अनेबल करने के बाद फेस थोड़े स्मूथ निकल के आते हैं V40 Pro के अंदर में। अब ये वाले एरिया स्लाइटली बेटर स्पॉन्ज निकल के आ रहा है X100 के अंदर में बैकग्राउंड में। यहाँ पर लेकिन देखो नाइट मोड में थोड़ा इशूज़ है V40 Pro में, स्किन टोन ज़्यादा स्मूथ कर देता है। अब यहाँ पर मैंने अप्लाई किया सोनर फिल्टर दोनों ही फोन में जाइस वाले, तो यहाँ पर देखो डेप्थ ऑफ फील्ड आपको V40 Pro में बेटर कैप्चर किया है, क्योंकि अपर्चर वैल्यू भी ज़्यादा है X100 से, बट डेप्थ ऑफ फील्ड यहाँ पर V40 Pro का बेटर कैप्चर कर लेता है, लाइट कंट्रोल भी। जूम करने के बाद देखो जो फेस पे डिटेल्स है V40 Pro में बेटर कैप्चर किया, एंड लिप्स थोड़ा सा पिंक निकल के आए, स्किन टोन थोड़ा सा ब्यूटीफाइड करता है लो लाइट में, बट पिक्चर अच्छी निकल के आती है। यहाँ पर देखो इरेक्शन आपको थोड़ा सा यहाँ पर V40 Pro का बेटर है, एंड कॉर्नर पर जो
डिटेलिंग है थोड़ा सा बेटर कैप्चर किया वी फोर्टी प्रो, तो जाइस वाला फिल्टर ज़्यादा यूजफुल लगा इस बार वी फोर्टी प्रो के अंदर में। एंड स्ट्रीम लो लाइट में अगेन यहाँ पर देखो X100 थोड़ा सा बेटर काम किया, जो स्क्रीन टोन है जो पिक्चर है थोड़े से आपको AI टाइप के निकल के आते हैं वी फोर्टी प्रो के अंदर में, नेचुरल निकल के नहीं आती है। लास्ट वाले में भी इशूज़ था, तो फ्रंट कैमरा में वी फोर्टी प्रो का थोड़ा सा इशूज़ है, नाइट मोड अनेबल करने के बाद थोड़े से इसको फिक्स करने की ज़रूरत है। ओके तो अब मैं शेयर करता हूँ बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू आपको दोनों में से कौन सा फोन बाय करना चाहिए। एटफर्स्ट जो डिफरेंस दिखा कैमरा के अंदर में वो दिखा है मुझे पोर्ट्रेट शॉट में, पोर्ट्रेट शॉट में 85mm 100mm जो है वी फोर्टी प्रो का थोड़ा बेकार निकल के आता है। एंड स्पीकर भी थोड़ा ज़्यादा लाउड है X100 का, और जूम क्वालिटी जो है चाहे वो फोटो के अंदर में हो चाहे वीडियो के अंदर में बेटर निकल के देता है आपको X100। एंड तो ये फ़ोन अगर आपको बाय करना है X100 50-55 में अगर आपको ये फ़ोन मिल रहा है तो बिल्कुल आप आराम से बाय कर सकते हो, लेकिन 50,000 इन्वेस्ट करना वी फोर्टी प्रो के लिए थोड़ा सा यहाँ पर मुझे जो है बेकार लगेगा। आप आराम से X100 की तरफ जा सकते हो। ओके तो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।